राजनीति में कहावत है कि यहाँ सबकी अपनी अपनी रोटी है, बस लोगों को चूल्हे चाहिए। कोई यहाँ जात पात का ईंधन लेकर इसमें डालता है तो कोई आपसी फूट का, कोई यहाँ गरीब मजदूर के नाम पर रोटी सेक जाता है तो कोई विरोध और आंदोलन की आग से। कल किसान आंदोलन के नाम पर एक बार फिर से भारत बंद का आह्वान किया गया है। काश ये बंद सफल हो, और अगर इस बंद से किसान समस्या का हल हो जाए तो लगातार एक दो हफ्ता भारत को बंद करके सारी समस्याओं का समाधान कर लिया जाए। नमस्कार दोस्तों, रंगदे बसंती में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूँ राजीव चौधरी। असल में भारत बंद एक ऐसा त्यौहार है जो किसी तारीख, दिन, शुभ अशुभ मुहूर्त का गुलाम नहीं होता। जब चाहे तब चाहे इसे कभी भी मना लो। एक दुकान की तरह है, मन में आए खोल दो और मन में आए बंद कर दो। यह एक ऐसा उत्सव है जिसे सब लोग जात पात धर्म मजहब से ऊपर उठकर मनाते हैं। भारत बंद कहो तो एकता की अनूठी मिसाल है। अब देखो, लुधियाना के मौलाना हबीबुर रहमान सानी लुधियानवी ने कहा है कि हम किसान जत्थेबंदियों द्वारा 8 दिसंबर के भारत बंद का समर्थन करते हैं। अब पता नहीं भारत बंद में इनकी मस्जिदें भी बंद रहेगी या नहीं, शायद मौलाना साहब ये बात बताना भूल गए। मौलाना साहब ने एक दूसरी बात भी बताई कि उनके पूर्वजों ने इस देश को अंग्रेजों से आज़ाद कराने के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी है, और हम भी इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए हमेशा कुर्बानियाँ देते रहेंगे। यहाँ भी मौलाना साहब के आंकड़े थोड़े से गलत हैं कि अगर आपके बुजुर्गों ने 10-20 ग्राम कुर्बानी दी है तो बाद में अपनी जनसंख्या के आधार पर अलग देश मांग लिया था। यहाँ जो अब काबिज है वे दूसरे के हिस्से पर काबिज है। खैर, बात किसान आंदोलन की करते हैं तो किसान भाई अपने मोर्चे पर डटे हुए हैं। सरकार और किसान के बीच बात जारी है। कहा जा रहा है अगर ये बिल लागू हुआ तो किसान और व्यापारी के बीच से आड़ती यानी बिचौलिया खत्म हो जाएंगे। लेकिन किसान और सरकार के बीच के असली आड़ती कौन है? आंदोलन के नाम पर उन्माद के हिंसा के आड़ती कौन है? और वे लोग क्यों अपनी राजनीति चमकाने के लिए इस किसान आंदोलन के बीच में घुसकर बैठ गए हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्माद के आड़ती किसान आंदोलन की फसल काट ले जाए और किसान एक बार फिर बेचारा ऐसा ही रह जाए? क्योंकि सुनने में आया है कि आंदोलन स्थल पर नमाज तक पढ़ी जा रही है। पत्रकार राणा अयूब ने बड़ी खुशी खुशी इस न्यूज़ को अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। खैर, केंद्र सरकार कृषि सुधारों पर खुलकर अपना पक्ष रख रही है, आशंकाओं के निवारण हेतु तत्परता भी दिखाई जा रही है। मगर किसान पक्ष के जो कथित पैरोकार हैं उनकी तरफ से सहज संवाद की बजाय जो अक्खड़ अड़ियल प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है वे थोड़ी उलझने बढ़ा रही है। ऐसे में ये प्रश्न मिथ्या हो जाता है कि सरकार और किसानों के बीच में वार्ता से आगे क्या परिणाम निकलेंगे, क्योंकि आंदोलन की आड़ में संवाद के लिए अनुच्छुक चेहरे बता रहे हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। समस्त खाली पड़े नेता इस आंदोलन के तवे पर अपनी राजनीति की रोटियां सेकने के लिए बयानबाजी का आटा लेकर घूम रहे हैं। देश के 18 राजनीतिक दलों ने भारत बंद को समर्थन दिया है, ऐसा अखबारों में खबर छपी है। मायावती जी, ममता जी भी भारत बंद को अपना समर्थन दे रही है। इसके अलावा बॉलीवुड के कई अभिनेता अभिनेत्री भी रातों रात किसान हो गए। प्रियंका चोपड़ा भी किसान हो गई, यानी वो सब किसान हो गए जो पिछले साल पराली जलाने को लेकर किसानों को बदनाम करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे थे। खैर, नेताओं को वोट चाहिए और बॉलीवुड के भांड पैसे लेकर ट्वीट करते हैं, तो एक दो साल पहले कोबरा पोस्ट में इसका खुलासा साफ हो गया था। इसमें अगर किसानों को जीत हासिल करनी है और सरकार से सीधा संवाद करना है तो योगेंद्र यादव, मेधा पाटेकर, भिंडरावाला को आतंकवादी न मानने वाले एक्टर दीप सिद्धू, वे स्वयं किसान नहीं है। इस कारण समाज को बांटने, हिंसा को बढ़ावा देने और देश के अहित की इच्छा रखने वाले लोगों को अपने आंदोलन का मंच किसान मुहैया ना कराए, वरना ये वो सांप है जो एक दूसरे के बच्चे तक खा जाते हैं। आंदोलन तो इनके लिए मामूली बात है, क्योंकि इन लोगों को हमेशा अपने आंदोलन की आग में कच्चा ईंधन चाहिए। याद है सीए धरना प्रदर्शन नतीजा क्या निकला था? दिल्ली दंगा। अब इनका अगला शिकार किसान आंदोलन है, जिसमें किसान को एक कच्चे ईंधन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि किसानों के पीछे खड़ा एजेंडा आंदोलनकारी इसी कारण बेपरवाह है। तो वे इस मैदान पर उन्माद की फसल की कटाई कर सकते हैं, इसलिए रणनीतिक रूप से छितरे हुए आंदोलन को लंबा खींचने के लिए ये लोग बहुत आगे तक इस आंदोलन को ले जाएंगे। थोड़ी सी भीड़ के बल पर एक ही आक्रामक आंदोलन खड़े करने की इनकी तैयारी है। इसे समाज से भावनात्मक जुड़ाव की ढाल देने और मासूम लोगों को, लड़के लड़कियों को सोशल मीडिया के मोर्चे पर तैनात करने की मनसूबाबंदी इनकी दिखने लगी है। आज भले ही ये मुद्दा
खेती किसानी का है, किंतु निश्चित ही किसान और उसके हित इन लोगों के केंद्र में नहीं है। जिस तरह शाहीन बाग आंदोलन सीए कानून के विरोध के लिए नहीं था, नागरिकता देने के कानून को नागरिकता छीनने का कानून बताकर कुप्रचार किया गया था, कुछ वैसा ही कुप्रचार इस बार भी किया जा रहा है। वास्तविकता में किसानों की चिंता देश के मुख्य एजेंडे में होनी चाहिए, चाहे सरकार कोई भी हो, क्योंकि विश्व में भारत के अतिरिक्त शायद ही कोई दूसरा देश ऐसा हो जहाँ की कुल जनसंख्या का इतना बड़ा हिस्सा कृषि पर आश्रित हो। यूरोप में भी कई लोग खेती किसानी छोड़ रहे हैं, लेकिन भारत में स्थिति और विकट हो जाती है, क्योंकि जब दो भाइयों में भूमि का बंटवारा होता है तो उससे उत्साह भी घट जाता है, मन भी टूट जाता है। ऐसे में कृषि को लाभकारी व्यवसाय बनाने के लिए आवश्यक है कि बिचौलिया जो है उन्हें सिस्टम से हटाया जाए। इसीलिए इस बिल के आने के बाद जो विमर्श बिचौलिया के खिलाफ होना चाहिए था, उसे एक नई सूरत और सवाल देने की कोशिश की जा रही है। हाँ, ये जरूर है कि जब किसानों को दो विकल्प मिल रहे हैं, चाहे वो मंडी में अपनी उपज बेच सकता है या मंडी के बाहर, ऐसे में किसान को न्यूनतम मूल्य की गारंटी का आश्वासन सरकार को जरूर देना चाहिए। इसकी चिंता सरकार को होनी चाहिए, लेकिन लोकतंत्र में लोक को तंत्र के विरुद्ध षड्यंत्र के अनुसार खड़ा करने वाले जो लोग हैं उन पर नज़र रखना भी बेहद आवश्यक है, वरना ये लोग आंदोलन को हिंसक बनाकर किसान के असली हितों की फसल काट ले जाएंगे। क्योंकि जिन लोगों ने कभी देश में अस्पताल नहीं मांगा, स्कूल नहीं मांगा, हमेशा शरीयत मस्जिदें तक डटे रहे, आज वो किसान बनकर बेवजह आगे नहीं आ रहे हैं। मामला कुछ और है, दिखाया कुछ और जा रहा है। इसलिए किसान आंदोलन को इन हिंसा उन्माद के आड़तियों से भी बचाना होगा। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।